हेलो दोस्तों टारगेट ट्विद लक्ष्य में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा बारह केमिस्ट्री के तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा और ये सभी टॉपिक आपको एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझाए जाएंगे जो कि इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आइए शुरू करते हैं तो इसमें पहला टॉपिक लिया गया है मोललता ध्यान दीजिएगा इस प्रकार की दो विधियाँ होती हैं एक होती है मोललता और दूसरी होती है मोलरता तो पहले हम लोग इसमें मोललता ध्यान देते हैं किसे कहते, है? तो कि कहते हैं तो ध्यान दीजिए इसमें दिया गया कि विलायक के एक हजार ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं ध्यान दीजिए इसमें दिया गया कि विलायक के एक हजार ग्राम में यानी कि जो विलायक है उसकी मात्रा यहाँ पर एक हजार ग्राम मानी गई है और उसमें घुले हुए विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उससे हम लोग विलयन की मोललता कहते हैं याद रखिएगा यहाँ पर कि विलयन के एक हजार ग्राम में विलय के मोलों की संख्या जो घुली होती है उसे ही हम लोग विलयन की मोललता कहते हैं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तो यहां पर मोललता बराबर इसका हम लोग जब सूत्र प्रयोग करेंगे तो इसे लिखा जाएगा मोललता बराबर यहां पर ध्यान दीजिए विलय ये याद रखना है आपको यहाँ पर विलय के मोल और बट्टे में यहां पर हो जाएगा विलय के मोल के बाद आपको यहाँ पर लिखना है विलायक का द्रव्यमान तो आपको इन सूत्रों को याद करते समय ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक ज्यादातर सभी में बटे में जो संख्या आ रही थी वो विलयन आ रही थी अब यहां पर विलायक आया है तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है याद करते समय कि कहां पर विलय का प्रयोग करना है और कहाँ पर विलायक का अन्यथा कुछ गड़बड़ी हो सकती है इसलिए आपको याद करते समय ये ध्यान रखना है तो यहां पर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान तो मोललता बराबर विलेय के मोल और बटे विलायक का द्रव्यमान लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान होना चाहिए वो हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए ये आपको याद रखना है और यहाँ पर जो लिखा गया विलेय के मोल आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या या केवल आप विलेय के मोल भी लिख सकते हैं इसमें कन्फ्यूज नहीं होना और आप इससे बता सकते हैं कि विलेय के मोल और विलायक के द्रव्यमान के अनुपात को मोललता कहते हैं जबकि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया हो तो आप इस प्रकार से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी इकाई जो होती है यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम तो याद रखिएगा इसकी इकाई जो होती है वो होती है मोल प्रति किलोग्राम और आपको याद रखना है अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया हो तो और आपको इसमें याद रखना है अगर विलायक का द्रव्यमान जो है वो ग्राम में दिया गया है तो ग्राम में दिया जाएगा तो आपको यही सूत्र इस प्रकार से लिखना है ध्यान दीजिए यहां पर यह हो जाएगा मोललता बराबर यहां पर आप लिखेंगे विले के मोल और बट्टे में यहां पर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान तो यहां पर ये यह विलायक का द्रव्यमान यहां पर ये यह ग्राम में और यहां पर अब आपको गुड़े में लिखना है एक हज़ार तो ये याद रखिएगा अगर किलोग्राम में दिया गया है तो सेम इसी प्रकार से लिखना है लेकिन अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया गया तो यहाँ पर गुणे में आपको एक हजार का प्रयोग करना है तो ये सूत्र आप इस प्रकार से फिर प्रयोग करेंगे और अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यानी कि विलेय के मोल बराबर हो जाएगा यहाँ पर विलय का द्रव्यमान यानी कि विलय का भार भी आप लिख सकते हैं तो विलय का द्रव्यमान यहाँ पर और बटे में विलय का अड़ुभार ये याद रखना है आपको विलय का द्रव्यमान यानी कि भार और बटे में विलय का अणुभार तो आप इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे अगर आपको विलय के मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो विलय के भार को यहाँ पर जो है लिखा जाता है इस्माल डब्लू से याद रखिएगा इस्माल डब्लू से लिखते हैं विलय के भार यानी कि विलय के द्रव्यमान को यहाँ पर ये इतना होगा और इसके अलावा विलय का जो अणुभार होता है इससे लिखा जाता है इस्माल एम से यानी कि ये बन जाएगा फिर डब्लू बाई एम इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं तो अब ध्यान दीजिए इसमें अगर विलय के मोल की जगह पे हम लोग विलय का भार और विलय का अणुभार प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र इस प्रकार से फिर लिखा जाएगा ध्यान दीजिए मोललता बराबर इसके बाद ध्यान दीजिए विलेय के मोल इसके बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार यानी कि W बट्टे एम इतना होगा और फिर बटे में विलायक का द्रव्यमान तो विलायक के द्रव्यमान को लिखा जाता है कैपिटल W से तो ये इतना होगा और यहाँ पर ये मान जो लिखा जाएगा वो किलोग्राम में तो अगर किलोग्राम में लिखेंगे आप तो यहाँ पर गुड़े में आपको एक हज़ार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी तो ये याद रखना है आपको यानी कि यहाँ पर आप ये बन गया W तो यहाँ पर ये जो द्रव्यमान दिया जाएगा वो द्रव्यमान किसका होगा याद रखना है आपको विलय का इसके अलावा यहाँ पर ये M अणुभार होगा और फिर गुड़े यहाँ पर W यानी कि ये विलय का द्रव्यमान और इसका मान जो होगा वो किलोग्राम में होगा तो आप इस प्रकार से भी सूत्र प्रयोग कर सकते हैं तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इसमें ध्यान दीजिए इसका एग्जाम्पल लिया गया कि ग्यारह ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए तो अब ध्यान दीजिए यहाँ आप पर आपको इस क्वेश्चन में जो है मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ग्यारह दशमलव सात ग्राम सोडियम क्लोराइड को पाँच सौ ग्राम जल में घोला गया है यानी कि यहाँ पर जो ग्यारह दशमलव सात ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड दिया ये है ये विलय है आपका और इसे पाँच सौ ग्राम जल में घोला गया है तो इसकी मात्रा अधिक है तो ये यह यहाँ पर विलायक होगा तो अब ध्यान दीजिए आपको ग्यारह दशमलव सात ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया यानी कि या ये ये जो यहां पर दिया गया ये विले का आपको द्रव्यमान दिया गया है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं का द्रव्यमान तो ये आपको दिया गया है का द्रव्यमान और इसका मान आपको यहां पर दिया गया है ग्यारह दशमलव सात ग्राम तो ये विलय का द्रव्यमान हो जाएगा इसके बाद आपको विलायक का द्रव्यमान यहां पर दिया गया है तो यहाँ पर अब लिखेंगे आप विलायक का द्रव्यमान तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विलय जो था वो सोडियम क्लोराइड यानी कि एन आप इसे बोल सकते हैं तो यहाँ पर ये जो दिया गया था आपको विलय दिया गया था एन और इसके अलावा विलायक आपको जल दिया गया है यानी कि एच और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान आपको दिया गया है पाँच ग्राम तो ये इतना दिया गया तो आपको विलय का द्रव्यमान दिया गया और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है अब इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोगों को मोललता ज्ञात करनी है यानी कि कैपिटल एम का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है तो अब हम लोग इसमें पहले सोडियम क्लोराइड का अणुभार ज्ञात करेंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि एन तो इसका हम लोग अणुभार यहाँ पर ज्ञात करेंगे और अणुभार को आपको बताया गया था इसमें कि इसको हम लोग इस्षमाल एम से लिखते हैं तो यहाँ पर यह अणुभार ध्यान दीजिए यहाँ पर एन तो यानी कि सोडियम इसका होता है तेईस और इसके बाद सी इसका होता है पैंतीस दशमलव पाँच इतना होगा जब इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान आएगा यहाँ पर अट्ठावन दशमलव पाँच तो ये एन का अणु भार हो जाएगा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोगों को मोललता ज्ञात करनी है यानी कि एन की मोललता तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे जो अभी आपको बताया गया तो तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं सीधे सिंबल में प्रयोग कर रहा हूँ आपको यहाँ पर पहले विलय का द्रव्यमान याद रखना है ये द्रव्यमान जो होगा विलय का फिर बट्टे में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अणुभार यानी कि एम फिर गुड़े विलायक का द्रव्यमान और ये मान जो आपको रखना था यहाँ पर किलोग्राम में होना चाहिए ये बताया गया था और आपको साथ में ये भी बताया गया था कि अगर इसका मान किलोग्राम में नहीं दिया गया है ग्राम में दिया गया है तो इसी सूत्र को आप इस प्रकार से लिखेंगे फिर W बाई एम गुड़े डब्लू यहाँ पर हो जाएगा ग्राम में और गुड़े में यहाँ पर हो जाएगा एक हज़ार इसका प्रयोग करना था तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको जो विलायक दिया गया इसका द्रव्यमान ग्राम में दिया गया इसलिए आपको इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करना है तो अब ध्यान दीजिए जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको दिया गया ग्यारह दशमलव सात तो यहाँ पर हो जाएगा ग्यारह दशमलव सात ये इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टी शुमाल एम यानी कि अणुभार इसका मान दिया गया है अट्ठावन दशमलव पाँच ये इतना हो जाएगा फिर गुड़े इसके बाद विलायक इसका द्रव्यमान दिया गया है यहाँ पर पाँच सौ और गुड़े में यहाँ पर हो जाएगा एक हज़ार तो ये इतना होगा तो अब इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जीरो से यहाँ पर इसका जीरो कैंसिल हो जाएगा एक फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे आप अगर कैंसिल करते हैं तो पाँच एक कम पाँच और यहाँ पर हो जाएगा पान दूनी दस अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसका गुड़ा करना है और गुड़ा करने के बाद अट्ठावन दशमलव पाँच से भाग करना है जब भाग करेंगे तो इसका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो दशमलव चार तो ये इतना आएगा और इसकी इकाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम तो यहाँ पर ये यह इसका आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से आप मोललता ज्ञात कर सकते हैं इसके बाद है मोलरता ये सेम उसी प्रकार से जैसे अभी आपको मोलरता बताई गई है केवल उसमें यहाँ पर ग्राम का यूज किया जाता है और इसमें यहाँ पर लीटर यानी कि आयतन का यूज किया जाएगा उसमें द्रव्यमान आप यूज करते हैं और इसमें आयतन का यूज होगा तो वही इसमें बताया गया कि, कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहते हैं याद रखिएगा कि किसी भी निश्चित ताप पर एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है उसे उस ताप पर जो है विलयन की मोलरता कहते हैं तो ये आपको याद रखना है इसमें कि मोलरता जो है वो एक लीटर विलयन में विलय के कितने मोल हैं इससे हम लोग बोलते हैं मोलरता तो वही इसमें दिया गया था कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर प्रति लीटर का मतलब एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होती है वो उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहलाती है तो अब इसमें ध्यान दीजिए अगर इसका हम लोग यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे लिखा जाएगा यहाँ पर मोलरता बराबर ये हो जाएगा मोलरता इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा मोलरता बराबर अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलय के मोल जैसे अभी आपको लिखा गया था इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा विलय के मोल और इसके बाद यहाँ पर अब बटे में आपको यहां पर लिखना है विलयन का आयतन विलयन का आयतन तो ध्यान रखिएगा इसके पहले जो भी आपको मोललता बताई गई थी वहां पर विलायक का द्रव्यमान यूज हुआ था और इसमें विलयन का आयतन यूज हो रहा है और यहाँ पर जो आयतन यूज होगा वो लीटर में यूज होगा याद रखना है आपको आयतन जो यूज होगा वो लीटर में यूज होना है तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर मोल प्रति लीटर तो ये इसकी इकाई हो जाएगी और इसमें भी याद रखना है आपको वो यानी कि आयतन जो दिया जाएगा अगर वो लीटर में नहीं दिया गया है यानी कि वो एम में दिया गया है तो अगर आयतन एम में दिया जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर यही सूत्र दूसरे प्रकार से प्रयोग करना है यानी कि फिर आप यहाँ पर लिखेंगे मोलरता बराबर ध्यान दीजिए विलय के मोल और बट्टे में यहां पर हो जाएगा विलयन का आयतन विलयन का आयतन यहां पर आपको लिखना है एमएल में तो अगर आयतन एमएल में दिया जाएगा तो यहां पर गुड़े में आ जाएगा एक हजार जैसे अभी आपको इसके पहले वाले में बताया गया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आयतन एम में दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है गुड़े में एक हजार हो जाएगा तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं बाकी विलय के जो मोल हैं इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए भी आपको बताया गया था कि विलय का द्रव्यमान और बट्टे विलय का अणुभार आपको प्रयोग करना है तो यहाँ भी आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं यानी कि ध्यान दीजिए ये हो जाएगा मोलरता बराबर विलय के मोल यानी कि इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं विलय द्रव्यमान इतना होगा और बट्टी यहां पर विलेय का अड़ुभार विले भार ये इतना होगा और यहां पर ध्यान दीजिए तो ये विलय के मोलों की संख्या के लिए हो जाएगा इसके बाद बट्टी फिर लिखा है यानी कि विलयन का आयतन तो यहां पर हो जाएगा विलयन का आयतन तो ये इतना हो जाएगा अगर यहाँ पर यह आयतन एम में दिया जाएगा तो यहाँ पर गुड़े में आप प्रयोग करेंगे एक हज़ार तो ये सूत्र इस प्रकार से फिर लिखा जाएगा अब इसके अलावा अगर इसे इस आप सिंबल में प्रदर्शित करते हैं तो ध्यान दीजिए इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं फिर C बराबर ध्यान दीजिए विलय का द्रव्यमान तो यहाँ पर विलय के द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं स्मॉल W से यहाँ पर चाहे तो आप B प्रदर्शित कर दीजिए तो यहाँ पर विलय के द्रव्यमान को डब्लू बी से लिखेंगे इसके बाद विलय का अणुभार यहाँ पर ये हो जाएगा एम बी इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं और इसके बाद विलय का आयतन यहाँ पर प्रयोग करना है आपको तो विलय के आयतन के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है विलय का आयतन जो लिखा जाएगा वो हम लोग कैपिटल वी इस प्रकार से लिख सकते हैं अगर यहाँ पर ये यह एम में दिया जाएगा तो गुड़े में आपको एक हज़ार लिखना है यानी कि इससे आप इस प्रकार से आप सही करके लिख सकते हैं सी बराबर डब्ल्यू बी बट्टे यहाँ पर हो जाएगा एम बी गुड़े वी इतना हो जाएगा ये एम में और गुड़े में हो जाएगा एक हज़ार तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र लिखना है तो यहाँ पर सी जो है वो मोलरता होगी और कहीं कहीं पर मोलरता को जो है कैपिटल एम से लिखा गया है और मोललता को इस्माल एम से लिखा गया है तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मोलरता और मोललता दोनों अलग अलग हैं अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आप सीधे हिंदी में लिख दीजिएगा मोलरता और मोललता अगर दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि सी से प्रदर्शित करना है या एम से तो आप वहाँ पर सीधे हिंदी में लिख देना है आपको कि मोलरता या फिर मोललता लेकिन अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर सीधे आप इस प्रकार से लिखिए जो भी लिख रहे हैं यानी कि मोलरता ब्रैकेट में उसका सिंबल लिख दीजिए तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं इतना हो जाएगा तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इसमें दिया गया है कि पंद्रह ग्राम के सी एल के सी एल यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को एक लीटर जल में घोला गया है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पंद्रह ग्राम जो है केशियल यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को एक लीटर जल में घोला गया यानी कि ये यह यहाँ पर पंद्रह ग्राम जो दिया गया है ये विलय है और एक लीटर जल जो दिया गया है वो विलायक है यहाँ पर तो अब ध्यान दीजिए इसमें तो यहाँ पर एक लीटर जल में इसे घोला गया तो विलयन की हम लोगों को यहाँ पर मोलरता ज्ञात करनी है तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसका हम लोग पहले अणुभार ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखेंगे के सी एल का अणुभार इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसको बताया था अभी एम बी से लिख दीजिएगा तो अणुभार हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए के यानी कि पोटेशियम इसका होता है थर्टी नाइन और सी एल इसका भी आपको बताया गया था पैंतीस दशमलव पाँच ये इतना होगा इसके बाद जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इसका मान आएगा चौहत्तर दशमलव पाँच ग्राम तो यहाँ पर ये इसका अणुभार हो जाएगा अब इसके अलावा के सी एल का द्रव्यमान यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान तो ये यह यहाँ पर विलय है इसके द्रव्यमान को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W बी से तो इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है पंद्रह ग्राम तो ये इतना हो जाएगा और यहाँ पर जब हम लोगों को विलयन का आयतन दिया गया है तो विलयन का आयतन जो दिया गया है, वो एक लीटर दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे एक लीटर तो ये इतना होगा अब इसके बाद जो अभी आपको सूत्र बताया गया था यानी कि मोलरता बराबर आपको बताया गया था यहाँ पर कि डब्ल्यू बी बटे एम बी और इंटू में वी तो यहाँ पर V का मान जो लिखाना है लीटर में दिया हुआ तो अगर लीटर में दिया होता है तो फिर आपको बताया गया था कि एक हज़ार से गुणा नहीं करना है और अगर एम में दिया गया तो एक हज़ार से गुणा करना है तो यहाँ पर लीटर में दिया गया इसलिए आपको एक हज़ार से गुणा नहीं करना है तो डब्ल्यू बी इसका मान यहाँ पर हो जाएगा पंद्रह इतना लिखेंगे बटे एम बी यानी कि अणुभार तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा चौहत्तर और गुड़े आयतन एक ये इतना हो जाएगा तो चौहत्तर दशमलव पाँच दस हम लोग इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा जीरो दशमलव यहाँ पर हो जाएगा दो जीरो और इसकी इकाई जो होती है वो होती है मोल प्रति लीटर तो यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रति लीटर तो ये इसका आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से आप मोलरता ज्ञात कर सकते हैं मोल प्रभाज यानी कि मोल प्रभाज क्या होता है तो ध्यान दीजिए पहले इसके लिए आप इसका सूत्र ध्यान दीजिए अगर आपको सूत्र समझ में आ जाएगा तो आप इसकी सहायता से आसानी से परिभाषा समझ लेंगे तो ध्यान दीजिए इसमें लिखा है एक घटक का मूल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित तो कुल मोलों की संख्या तो ध्यान दीजिए आपको जो विलयन बताया गया तो इसमें दो घटक होते हैं एक विलय और एक विलायक तो यहाँ पर लिखा है घटक के मोलों की संख्या यानी कि किसी भी एक घटक चाहे वो विलय हो या फिर विलायक के घटक की, की संख्या यहाँ पर लिखनी है और बट्टे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी कि विलय और विलायक दोनों के जितने मोल होंगे उनकी संख्या तो अगर आपको परिभाषा बनानी है तो आप इसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि एक विलयन में घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं याद रखिएगा कि विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं तो यही इसमें लिखा गया परिभाषा में कि एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं तो ये आपको याद रखना है अब इसके बाद इसमें आप ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी विलयन में विलय के मोल स्माल एन तथा विलायक के मोल कैपिटल एन यानी कि जो विलयन है उसमें विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है तो ध्यान दीजिए अगर हम लोगों को विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो उसका सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग विलय का मोल प्रभाज तो यहां पर हम लोग जो लिख रहे हैं ये विलय का मोल प्रभाज है तो अब ध्यान दीजिए इस सूत्र के अनुसार इसमें बताया गया था कि घटक के मोलों की संख्या यानी कि किसी एक घटक जिसका हम लोग मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग विलय का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या आपको लिखनी है यानी कि स्मॉल एन इतना हो जाएगा और फिर बट्टे में आपको लिखना था विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी कि विलय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या तो ये सूत्र फिर इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा और इसी में आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो स्मॉल एन होता है इसको हम लोग लिखते हैं W बट्टे M ये याद रखिएगा और जो कैपिटल N दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर W बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M ध्यान तो दीजिए यहाँ पर दोनों इस्तेमाल कर दीजिएगा यहाँ पर दोनों कैपिटल इसका मतलब यहाँ पर ये यह विलय के मोलों की संख्या है तो इसका मतलब यहाँ पर ये यह विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलेय का अणुभार और यहाँ पर ये यह विलायक के मूल्यों की संख्या है तो इसका मतलब विलायक का द्रव्यमान और बट्टे यहाँ पर विलायक का अणुभार इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे तो अब ध्यान दीजिए अगर इस तरह से हम लोग यहाँ पर मान रखें इसमें तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर विलय का मोल प्रभाज हम लोग लिखेंगे अब इसमें तो ये सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा यानी कि ये यह सूत्र यहाँ पर अब इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग विलय का मोल प्रभाज बराबर ध्यान दीजिए स्मॉल एन इसकी जगह पर यहाँ पर स्मॉल डब्लू बट्टे एम इतना होगा और बट्टे में ध्यान दीजिए स्मॉल एन की जगह फिर आपको यही मान रखना है स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम फिर प्लस डब्लू बट्टे एम इतना हो जाएगा तो ये सूत्र आप इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा स्मॉल एन यानी कि विलय के मोलों की संख्या और इसके बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार यहाँ पर कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या तो यहां पर यह विलायक का द्रव्यमान बट्टे विलायक का अणुभार तो अब ध्यान दीजिए यहां पर हम लोगों ने विलय का मोल प्रभाज ज्ञात किया है अगर हम लोगों को विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से उत्तर लिखा जाएगा फिर तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर तो अब यहां पर हम लोग पहले विलायक के मोलों की संख्या लिखेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या को माना गया है कैपिटल एन से ये इतना हो जाएगा और बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी कि एन प्लस कैप्टल एन तो ये इस प्रकार से हो जाएगा अगर हम लोग इसी प्रकार सूत्र इसको भी लिखते हैं तो ध्यान दीजिए इससे हम लोग लिख सकते हैं विलायक का मोल प्रभाज बराबर यहाँ पर कैपिटल एन का मान लिखेंगे तो डब्ल्यू बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम और बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए स्मॉल डब्लू बट्टे स्मॉल एम प्लस यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बट्टे यहाँ पर कैपिटल एम तो इस प्रकार से इस सूत्र को आप लिख सकते हैं बाकी आप चाहे तो यहाँ पर इसको पूरा पूरा सिंबल ना लिख के सही रूप में लिख दीजिए यानी कि विलायक का मोल प्रभाज बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान बट्टे विलायक का अणुभार और फिर यहाँ पर यूज होगा विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार प्लस विलायक का द्रव्यमान प्लस विलायक का अणुभार इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं तो अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इसमें क्वेश्चन लिया गया कि बहत्तर ग्राम जल और बानबे ग्राम एथिल अल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए तो यहाँ पर हम लोगों को जल के भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है और एथिल अल्कोहल के भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पर

अणुभार ज्ञात करेंगे तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए इसके अणुभार ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है शी टू तो कार्बन के लिए यहाँ पर बारह और दो कार्बन दिए गए इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुड़े दो फिर इसके बाद प्लस एच फाइव तो हाइड्रोजन का होता है वन और इसमें पाँच हाइड्रोजन दिए गए इसलिए गुड़े पाँच हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ओ ऑक्सीजन इसका हो जाएगा सोलह और फिर हाइड्रोजन दिया गया इसका हो जाएगा वन यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा बारह दोनी चौबीस प्लस पाँच एक कम पाँच प्लस सोलह प्लस एक ये इतना होगा इसके बाद जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान आ जाएगा यहाँ पर छियालीस तो ये इतना हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एथिल एल्कोहल के लिए लिखा गया है एथिल एल्कोहल का जो द्रव्यमान था पर अब ध्यान दीजिए आप इसमें एथिल एल्कोहल को यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल डब्ल्यू माना था तो इसके जो अणु भार होंगे उसको लिखा जाएगा स्मॉल एम से तो अब हम लोग सी टू एच फाइव ओ एच का मोल प्रभाज यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए सी टू एच फाइव के लिए स्मॉल डब्ल्यू माना गया था इसलिए यहाँ पर जब हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे तो ये लिखा जाएगा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बटे में हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम तो यहाँ पर ये यह इतना प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ कैपिटल एम जो दिया गया है वो जल का अणुभार होगा तो आप चाहे तो इसका मान ज्ञात कर लीजिए जल यानी कि एच टू ओ तो इसका अनुभार जब हम लोग लिखेंगे तो एम बराबर ध्यान दीजिए एच टू लिखा है यानी कि वन गुड़े टू प्लस सोलह बराबर यहाँ पर हो जाएगा अट्ठारह तो इसका मान आ जाएगा अट्ठारह तो अब ध्यान दीजिए इसमें अब हम लोग सारे मान रखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल W इसका मान दिया गया है बानबे बटे स्मॉल एम इसका मान निकाला गया था छियालीस ये इतना हो जाएगा फिर बटे यहाँ पर फिर हो जाएगा बानबे बटे छियालीस और प्लस इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू इसका मान हम लोग को दिया गया था बहत्तर और बटे में कैपिटल एम का मान निकाला गया यहाँ पर अट्ठारह तो ये इतना होगा अब इसमें ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो छियालीस दू ना बानबे यहाँ भी कट जाएगा छियालीस दू ना बानबे और अट्ठारह चौको बहत्तर ये इतना हो जाएगा यानी कि ऊपर बच्चे का यहाँ पर अंश में दो और बटे में हो जाएगा चार तो छः तो ये इतना आएगा अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर छः से दो को भाग करेंगे तो छः से दो को भाग करने पर इसका आएगा जीरो दशमलव थ्री 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 तो यहाँ पर ये सी टू एच फाइव ओ एच के मोल प्रभाज हो जाएंगे तो अब इसी प्रकार से हम लोग जल का मोल प्रभाज यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो अब जल का मोल प्रभाज इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करना तो जल को कैपिटल डब्ल्यू से लिखा गया था तो कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम बस आपको ये सिंबल सही से याद रखना यानी कि प्रतीक चिन्ह इसके लिए आपको भी बताया गया है अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग मान रखेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू यानी कि जल के लिए तो इसका मान यहाँ पर बहत्तर और इसका अणुभार था यहाँ पर अट्ठारह इसके बाद यहाँ पर एथिल यह थिल एल्कोहल के लिए होगा तो इसका द्रव्यमान था बानबे और अणुभार था छियालीस इतना होगा प्लस इसके बाद फिर यहाँ पर मान रखेंगे तो यहीं पर आएगा बहत्तर बटे अट्ठारह अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग फिर से भाग करेंगे तो यहाँ अट्ठारह चौको बहत्तर छियालीस दूना बानबे फिर अट्ठारह चौको बहत्तर यानी कि ये आएगा चार और बटे में हो जाएगा छः इतना आएगा अब इसके बाद जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दो दूनी चार और ये दो तेईस छः इतना कैंसिल हो जाएगा इसके बाद तीन से इसको हम लोग अगर भाग करेंगे तो इसका मान आएगा जीरो दशमलव छः 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 इस प्रकार से ये संख्या आती रहेगी यहाँ पर तो ये इसका आंसर होगा तो इस प्रकार से आप मोल प्रभाव जो है वो ज्ञात कर सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा